नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। सीमा हैदर की तरह ही अपने प्यार से मिलने सरहद पार करके बांग्लादेश से नोएडा आई सानिया अख्तर का मामला सुर्खियों में छाने के बाद अब नोएडा पुलिस भी एक्टिव हो गई है। जानकारी के मुताबिक सानिया बीते एक हफ्ते से पुलिस के संपर्क में है। उसने सौरभ से अपने संबंधों के सबूत के तौर पर कई दस्तावेज पेश किए हैं। फिलहाल मामले की जांच ACP महिला सुरक्षा कर रही है। पुलिस सानिया के पति सौरभ कांत तिवारी से भी पूछताछ कर रही है और इस दौरान सानिया ने सौरभ से अपने संबंधों को लेकर तमाम दस्तावेज पेश किए हैं, जिस पर सौरभ ने अपना रिएक्शन भी दिया है। 29 साल की सानिया अख्तर अपने एक साल के बच्चे के साथ भारत आई है और उसका दावा है कि 3 साल पहले ग्रेटर नोएडा के शिवालिक होम्स सोसाइटी में रहने वाले सौरभ कांत तिवारी बांग्लादेश में नौकरी करने के लिए गए थे और इसी दौरान सौरभ ने उससे वहां पर शादी की थी। और इतना ही नहीं, सानिया के मुताबिक सौरभ ने हिंदू से बदल करके इस्लाम धर्म अपना लिया था। इसके लिए सानिया ने मैरिज सर्टिफिकेट और धर्म परिवर्तन के कुछ दस्तावेज भी पुलिस को दिखाए हैं। दूसरी तरफ सौरभ तिवारी ने एक हिंदी न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान बताया कि निकाहनामा और धर्म परिवर्तन के कागज पर सानिया अख्तर और उसके परिजनों ने जबरदस्ती उससे साइन करवाए थे। उसने सानिया से तलाक के लिए बांग्लादेश के एक कोर्ट में अर्जी डाल रखी है, लेकिन उसके बावजूद महिला नोएडा में आकर उसे परेशान कर रही है। बीते एक हफ्ते से पुलिस कई बार उसे पूछताछ के लिए बुला चुकी है। सौरभ ने कहा है कि उसका केस बांग्लादेश की कोर्ट में चल रहा है, भारत में उसने किसी तरह का कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस कह रही है कि वो सानिया के रहने की व्यवस्था करे। सौरभ ने साफ तौर पर कहा है कि बांग्लादेशी कोर्ट का जो फैसला होगा वो उसे मानेगा। बच्चे के लिए अगर कोर्ट खर्चा देने को कहेगा तो फिर वो खर्चा भी देगा। जबकि दूसरी ओर बांग्लादेशी सानिया के वकील ने कहा कि महिला के बच्चे की तबीयत खराब है। सौरभ ने बांग्लादेश में उससे ये झूठ बोलकर शादी की थी कि उसकी पहली पत्नी की मौत हो चुकी है, दोबारा शादी के बाद दोनों साथ में खुश रहेंगे। वकील ने सानिया और सौरभ की कई तस्वीरें भी सामने रखी हैं। फिलहाल सीमा हैदर की तरह अब सानिया का मामला भी खूब सुर्खियां बटोरने लगा है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। सानिया अख्तर को लेकर सौरभ तिवारी के दावे पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।